गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं दोमपर पार्टी करने। तो गाइस, जिन्हें ये नहीं पता कि दोम क्या होता है, जैसे इंडिया में हम लोग बाहर जाते हैं सिटी के बाहर फार्म हाउस टाइप्स पे पार्टी करने के लिए, वैसे ही रशिया में दोम होते हैं। आप दोम पर अपने जो छोटे फंक्शंस होते हैं और पार्टीज होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए रशिया के रास्तों के नज़ारे। मिलते हैं आपसे दोम पर। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे 25 से 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद। इस जगह का नाम है गोर्की पार्क। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। ये हमारा एंट्रेंस है। तो गाइज, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और ये दूसरी साइड पर कैफ़े है। ये भी आगे रिसेप्शन ही है। तो गाइस, चलते हैं अपने डोम की तरफ जो हमने बुक किया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है और सुंदर है। ये इन्होंने बाहर पे यहाँ एक सीटिंग आउटडोर एरिया बना रखा है और ये एक यहाँ पर कैफ़े है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है और ये फिर से एक कैफ़े प्लस हमारा एक सिटिंग एरिया आ गया है। तो यहाँ पर एक और आउटडोर एरिया है जहाँ पर आप ऊपर बैठ के कॉफ़ी या चाय पीते हुए अपने व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से नज़ारा कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये कि यहाँ पर एक छोटा सा गांव है। तो गाइस, चलते हैं अपने डोम की तरफ। ये जो आपको सामने राइट हैंड साइड पे जो एक कोटे सा दिख रहा है यही हमारा डोम है। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया है। इन लोगों ने नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करके इसे काफ़ी सुंदर बनाया है। यहाँ पर पूरी नेचुरल वाइब भी आ रही है और आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है, तो उस वजह से सब कुछ और भी अच्छा दिख रहा है। तो चलते हैं अपने डोम पर। यही हमारा डोम है और ये बाहर से ऐसा दिखता है। आइए अंदर चलते हैं। तो ये हमारे दो ऊपर नीचे बेड हैं, वो कोने में हमारी किचन है, फिर हमारा वॉशरूम एरिया है और ये टीवी यूनिट्स है इधर हमारे। तो ये हमारा एक ये रूम है जो कि पूरा वुडन मेड है और ये काफ़ी सुंदर रूम है। तो ये हमारा आउटडोर यूनिट है, इसमें आप देख सकते हैं बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर हम बैठ के अपना पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। ये इस कॉर्नर में यहाँ पर बारबेक्यू एरिया है, इसमें हमें जो भी बारबेक्यू करके बनाना है हम यहाँ पर अपना बना सकते हैं। तो गाइस, हम और आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है आगे भी, यहाँ और भी डोम हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा डोम दिखाता हूँ। ये हमारे वाले डोम से बड़ा है थोड़ा। इसका जो बारबेक्यू एरिया है आप देख सकते हैं ये अलग है। तो हम लोग अपना खाना बनाते हुए बारबेक्यू करके, इसमें पनीर और वेजीज हैं। तो ये चिकन बारबेक्यू हो रहा है
तो गाइस अभी 10:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा नाइट में व्यू है ये काफ़ी अच्छा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट कम है तो थोड़ा डरावना दिख रहा है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम अब यहाँ पे थोड़े सा डरावने गेम्स भी खेलेंगे। तो गाइस अब काफ़ी टाइम हो चुका है गेम खेलते हुए और अब रात भी काफ़ी हो गई है और ठंड भी लगने लगी है, तो अब हम अपने डोम के अंदर चलते हैं वापस से। तो गाइस रशिया का क्लाइमेट ऐसा है कि दिन में चाहे कितना भी गर्म हो रात को आपको थोड़ी ठंड लगेगी ही। गुड मॉर्निंग गाइस, अब है नेक्स्ट डे, सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि फिर से दोबारा से ये सब काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो गाइज ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जो लोग रशिया की सिटी ओरियोल में हैं और उनको पार्टी करनी है वो इस डोम को प्री बुक कर सकते हैं इनकी साइट gorky.ru से। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट, अब हम लोग अपने बैग पैक करते हैं। इतने आप लोग एंजॉय करिए यहाँ के नज़ारे। गाइज़ अब फाइनली पार्टी ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने फ्लैट पर।